बैतूल जिले के चिचोली क्षेत्र में बेमौसम बारिश, तेज आंधी तूफान और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों में हुए भारी नुकसान। खेतों का सर्वे करवाकर राहत राशि की देने की मांग को लेकर जनपद सदस्य संघ के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सहायक कलेक्टर को सौंपा गया है ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से महिलाओं ने बताया कि चिचोली सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम तेज बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि से हजारों किसानों के गेहूं, चना, सब्जी आदि में फसलों का नुकसान हुआ है। खेतों में अभी पानी भरा हुआ है, कई किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। किसानों की समस्या को देखते हुए महिलाओं ने प्रशासन से जल्द से जल्द किसानों के खेतों का सर्वे करवाकर राहत राशि देने की मांग की है। चिचोली से राजेंद्र दुबे की खास रिपोर्ट। कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है, क्या समस्या है, आप लोग क्या मांग है? हमारी मांग है कि कल जो अचानक तेज बारिश हुई है जिसके कारण किसान परेशान हुए हैं और किसान की परेशानी ये है कि फसल काफ़ी नुकसान हो चुका है और ओलावृष्टि और पानी वानी खेतों में जाने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होने की वजह से किसान परेशान हैं और किसानों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए आज हमने यहाँ जनपद पंचायत के CEO, जिला CEO एवं अपर कलेक्टर महोदय जी एवं तहसीलदार महोदय जी को हमने ज्ञापन सौंपा और उनको समय पे सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलाने के लिए किसानों के संबंध में हमने ज्ञापन दिया।